वेलकम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 40 mm रेस्ट ऑन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर फ्रस्टम बेस ऑफ साइड 60 mm टॉप साइड 40 mm। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हमारा जो फ्रस्टम है उस फ्रस्टम का बेस का साइड है 60 और टॉप साइड है ये 40। तो ये तो क्वेश्चन का डेटा हो गया और हाइट दिया हुआ है 75। तो फ्रस्टम आप जानते हो, अगर किसी भी सॉलिड को बेस के पैरेलल करके आप कट करके उसे रिमूव कर देते हो तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है उसको आप कहते हो फ्रस्टम। तो जैसा कि आप देख रहे कि टॉप और बेस दोनों जो होगा हमारा वो दोनों क्या है, डिफरेंट आपका डेटा है 60 और 40। दैट मीन्स ये आपका एक, या तो हम क्यूबॉइड कहेंगे उसकी तरह यह नहीं दिखेगा फ्रस्टम, क्योंकि नीचे का बेस जो है वो आपका बड़ा है और ऊपर का जो बेस होगा वो हमारा छोटा है, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि ये हमारा 60 होगा, ये सारा साइड 60 है, मैं ऐसे ही एज्यूम बता रही हूँ, और ये जो ऊपर का है ये हमारा 40 है इस तरह। और इसके ऊपर देखिए, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। साथ में क्या है हमारा, एक आपका स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 mm है, वो रेस्ट कर रहा है किस पे, ऑन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है 40 का, इसके सेंटर पे ये रेस्ट कर रहा है, जिसका भी डायमीटर भी 40 mm है, इस तरह से। तो आपको इसका फिगर बनाना है। तो जैसे ही आप टॉप व्यू बनाओगे तो टॉप व्यू में दोनों बेस दिखेगा, एक तो आपका 60 का हो जाएगा और एक हो जाएगा स्क्वायर हमारा 40 का, ये और ये, इस तरह से। और ये एक्चुअली फ्रस्टम है तो एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को भी टच करेगा, तो ये इस तरह से सारे कॉर्नर को आपको मिलाना है इस तरह से। और ये जो स्फीयर है ये आपको कैसा दिखेगा टॉप व्यू में, सर्कल, और इसका भी डायमीटर कितना है 40 है, और ये ऑलरेडी 40, दैट मीन्स ये टच करेगा सारे साइड को इस तरह से, तो ये टॉप व्यू बनेगा। और जब आप फ्रंट व्यू बनाते हो तो ये सब आपको मालूम है कि सेंटर लाइन एक ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, और ये जितना साइड जाएगा, मान लो ये इतना 40 है हमारा, तो ये इससे हमारा सारे साइड, सॉरी, इससे ये मिल जाएगा, तो इस तरह से बनेगा। और फिर आप इसके साइड जितना ये हाइट दिया हो 75 यानी सेंट्रल हाइट जो जाएगा, इससे पहले आप मेजर कीजिए 75, और यहाँ से चलिए 20 यानी 40 हो गया जो पॉइंट आएगा, उसको आप इस तरह से मिला दीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा ये स्फीयर जो सर्कल बनेगा, तो इस सेंटर से कितना लीजिएगा डायमीटर, हमारा 40 है तो रेडियस 20 का लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक स्फीयर आप बना दी। तो सबसे पहले तो आपको 2D बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाइए। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे आइसोमेट्रिक। तो आप देख रहे हो सबसे पहले ये हम टॉप व्यू बनाएं जस्ट इस तरह से डायमेंशन के साथ। अब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से। ये भी कैसे बनाएंगे आपको मालूम है, अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, आप जैसे कि देख रहे हैं फ्रंट व्यू में बिल्कुल इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राउंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उस पर कोई भी आपका इस, ये जो बॉक्स है हमारा टॉप व्यू का, ठीक है, इस, तो एक्चुअली क्वेश्चन हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, तो ट्रू स्केल यूज करेंगे। तो ये कोई भी कॉर्नर यानी ए बी सी डी कोई भी कॉर्नर, ठीक है, सपोज दैट मैंने बी को सेलेक्ट किया, तो उस ग्राउंड लाइन पे बी का आर्बिट्री पॉइंट लेंगे और ये बॉक्स जो बेस वाला होगा, ठीक है, वो पहले बनाएंगे ए बी सी डी, इस तरह से ग्राउंड लाइन लेके, ठीक है, 30 degree का एंगल बनाएंगे दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट। फिर ये जो हमारा आर्बिट्री पॉइंट बी लिया है, तो ए बी का जो हाइट है, ठीक है,
सेम हाइट आपको यहाँ पे कट करोगे और बी सी का जो है ये आप कट करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो हमारा ए पी है आप इधर से आओगे कंपास के हेल्प से एक आर्क ड्रॉ करोगे और बी सी जो है आप अपोजिट साइड आइए और ए बी का इसके अपोजिट साइड जो पॉइंट मिलेगा उसे आप मिला दीजिए बिल्कुल इस तरह से। ये जो आप देख रहे हो ये इनविजिबल लाइन होगा क्योंकि हम जब इधर से देखेंगे तो यही दोनों लाइन जो बॉक्स का होगा हमारा ए बी और बी सी विजिबल होगा और ए डी और सी डी ये हमें विजिबल नहीं होगा। अब बनाएंगे हम ये पोर्शन, ठीक है। तो इस पोर्शन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से हमको आइसोमेट्रिक एक्सिस लाइन बनाना होगा जो ग्राउंड लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। उसकी हाइट कितनी होगी, जितना ये सेंट्रल एक्सिस है उतना ही हाइट आपको 75 यहाँ पर लेना है। फिर हम ये बेस बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आइसोमेट्रिक एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, जो सेंट्रल हाइट जितना है 75 उतना ही 75 लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, इस आइसोमेट्रिक लाइन के पैरेलल हमको आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना है। आप जानते हो दो आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, तो अगर आप ड्राफ्टर पे यूज कर रहे हो तो ठीक है, आप इस तरह से इसे सेट कीजिए और जस्ट स्लाइड करते हुए आप यहाँ ले जाइए। तो क्या होगा, आपको जितना ये लेंथ यानी ये लेंथ जितना है 40 उतना ही आप यहाँ पे 40 कट कीजिए अगर आप ड्राफ्टर यूज करते हो तो। अगर आप ड्राफ्टर यूज़ नहीं कर रहे तो प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना करके फिर उस साइड पे ये जो हमारा 40 है, ठीक है, ये जो 40 है इसको आप यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस लेके कट कीजिए दोनों साइड। और एक्चुअली ये स्क्वायर है तो आप एक ही बार कंपास से दोनों साइड आप कट कर सकते हो इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप, आप जानते हैं कि ये स्क्वायर है तो आप ऑपोजिट भी कट कर सकते हो या आप इस तरह से भी कट कर सकते हो कि सारे साइड सेम है हमारा। अगर ये रेक्टेंगल होता तो ऑपोजिट साइड कट करते, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट मिलेगा उसको आप मिला दीजिए इस तरह से। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लाइट पेंसिल क्यों यूज किया है, इसलिए कि हमारा बैक साइड है, जब मैं यहाँ पर स्फीयर बनाऊंगी तब मुझे पता चलेगा कितना पार्ट से विजिबल है कितना पार्ट विजिबल नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी कंटिन्यूस ठीक लाइन यूज़ नहीं इसे नहीं बनाया। दैट मीन्स मैंने इसे अभी तक इसको ठीक नहीं किया है, ठीक है। अब आपका क्या स्टेप होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाइए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को और इसका नेमिंग कीजिए जो आपका ई एफ जी एच है। बी आपका ई एफ जी एच होगा, बी के साथ कौन है एफ, तो यानी बी के ऊपर कौन सा ये जो कॉर्नर होगा ये हमारा एफ होगा। आप देख रहे हो सी के साथ कौन है जी, तो सी के साथ यहाँ जी, डी के साथ एच, तो यानी ये जो टी वाला है ये यहाँ हमारा हो जाएगा एच और ये ए के साथ ए, ठीक है। और ये वाले भी आपको मिलाना है, ये तो साफ दिख रहा है कि हमारा बैक है तो ये डॉटेड लाइन से बिल्कुल इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप है हमको स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो आप जानते हो कि आपने देखा कि स्क्वायर या रेक्टेंगल आपको कैसा दिखता है, आइसोमेट्रिक में रॉम्बस की तरह, और एक स्फीयर आपको यहाँ पर सर्कल की तरह बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप है बनाने के लिए आप इसका मीट पॉइंट पहले फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। जो मीट पॉइंट होगा, ठीक है, मीट पॉइंट से फिर जितना ये हमारा, ठीक है, ये सेंटर है तो ये आपको मेजर करना है। तो सबसे पहले आप मीट पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, तो आप देख सकते हो सबसे पहले ईजी को मैंने मिला दिया और इस तरह से स्केल को लाइए और जो मीड पॉइंट जहाँ पे ये कट हो रहा है वहाँ पे पॉइंट ले लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर फाइंड आउट करना, ठीक है। इसका हम सेंटर फाइंड आउट कैसे करेंगे, कितना ऊपर जाना है, तो सबसे पहले ये आइसोमेट्रिक व्यू है तो एक काम आपको करना पड़ेगा, ये जो हमारा 20 होगा यहाँ पे रेडियस
40 आया है तो 20 को आप आइसोमेट्रिक स्केल पे मेजर कीजिए, और जितना डिस्टेंस आएगा 20 का आइसोमेट्रिक स्केल पे, आपको यहाँ से उतना ही आगे जाना है और डिस्टेंस मेजर करके पॉइंट लेना है। ठीक है, सबसे पहले इतना स्टेप कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक स्केल पे कितना डिस्टेंस होगा, 20 को करेंगे तो 0.8 से मल्टीप्लाई तो 16 mm के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ से 16 mm डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो पॉइंट आया वो हमारा सर्कल का सेंटर ओ हो गया। अब आपको क्या करना है कि रेडियस जो है वो 20 ही लेना है, सेंटर ये फाइंड आउट हुआ, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ये हमारा सर्कल का सेंटर हुआ, लेकिन जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पे तो वो आपका 20 आपको लेना है कंपास में, और इसके बाद उतना ही रेडियस लेकर के 20 को आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है वो आपका 16 है, जबकि रेडियस जो आपने लिया है वो 20 लिया है। इस तरह से बना देंगे। अब देखिए ये विजिबल होगा, तो यहाँ से आपको थिक कंटिन्यूस लाइन, और ये आपका यहाँ से थिक, और जो बैक पोर्शन है वो आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से ये फिगर हमारा कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहला स्टेप याद रखना है, हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के बाद अगर हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है तो आप ट्रू स्केल यूज़ करोगे, अगर ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो आइसोमेट्रिक स्केल आप यूज़ करोगे। सबसे पहले ग्राउंड लाइन ड्रॉ करोगे, फिर 30 डिग्री करके दोनों साइड ड्रॉ करना है, और ये जो टॉप व्यू जितना है बॉक्स आपने इनक्लोज किया है पहले बॉक्स बनाना है, फिर जितना हाइट है ये हाइट लीजिए, फिर ये जो हमारा टॉप साइड है मतलब बेस का टॉप बेस जो है उसका जितना साइड है आपने ये बनाया, और सबसे लास्ट में हम मैंने ये स्फेयर बनाया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फिगर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।